नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा और विधायक जी की बिल्कुल ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं, और हम लोग आए हैं विकासपुरी विधानसभा के जो विधायक हैं महेंद्र यादव जी, हम उनसे कुछ सवाल भी करना चाहते हैं। और मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड भी है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से है, और हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब में है, क्या तैयारी है इनकी और जनता के लिए क्या वादा करना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप लोग ये रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहे हो केजरीवाल, तो अभी हम लोगों से जिससे बात करी तो बहुत लोगों का कहना है कि रोड बहुत ख़राब है, रोड के ऊपर क्या करना चाहिए। एक रोड हमारा ख़राब है, इसका मेरा टेंडर हो गया है, संडे से हम इसको शुरू करा देंगे बनाना। एक दो रोड ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जैसे सीवर डला है, सीवर डलने के बाद तो खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद काम नहीं हो पाया उसके ऊपर, तो अभी पानी की लाइन और सिविल की लाइन हमने यहाँ पे डाला है, तो है थोड़ी बहुत लोगों की शिकायत एक दो रोड के लिए, उसको हम ठीक कर देंगे। संडे को ओपनिंग है उसका, उसके बाद हम उसको बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से लोग अभी कह रहे हैं, अमित शाह भी बता रहे थे कि काम तो किसी ने करा और केजरीवाल उसमें थप्पा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब 5 साल पहले काम किसी ने किया और थप्पा हमने लगाया, तो ये क्या 5 साल पहले किसी ने कोई सीवर दिया था, पानी दिया था? 15 साल पहले जो लोग आए थे उन्होंने ना तो कोई पानी दिया था, ना कहीं सीवर दिया था, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, ना फिर कहीं ऐसा डीटीसी बस फ्री की थी, ना कभी इतनी डीटीसी बसें आई थी रोड के ऊपर जितनी अब आई हैं। तो ठप्पा किसका है, हम तो काम कर रहे हैं, हम ठप्पा लगाने नहीं आए, हम तो काम करने आए हैं, तो काम हमने किया है, काम किया है। और सर, हाँ, जिस तरीके से कल कांग्रेस ने बताया है कि इस बार का कांग्रेस का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट, आप लोग तो 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, 600 यूनिट फ्री देंगे सर? पहले जिन राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब में है, उसके बाद राजस्थान में भी उनकी सरकार है, 2-3 राज्यों में उनकी सरकार है, तो आज से वो वहाँ पे 600 यूनिट फ्री कर देना, ये आएंगे उसके बाद 600 यूनिट फ्री देंगे, जहाँ पे जीते हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले वहाँ फ्री कर दें, लोगों का भला हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट तो जनता देगी ना, कि अगर हमने काम किया होगा तो जनता हमें वोट देगी, अगर हमने काम नहीं किया होगा तो जनता वोट नहीं देगी। बहुत टाइम से काम नहीं किया तो अभी ज़्यादा काम आप लोग एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा काम दिखा रहे हैं आप लोग। तो आज मेरी विकासपुरी विधानसभा में 480 किलोमीटर लाइन बिछने के बाद जब पानी आया है तो क्या 3 महीने के अंदर थोड़ी आएगा? जब हम 5 साल पहले लगे थे इस लाइन डालने के लिए, जब ही तो जाके पानी आया ना, जब 20 साल से कभी पानी नहीं आया था, हर घर तक पानी हमने पहुँचाया है, मोहल्ला क्लिनिक मैंने अपने विधानसभा में 18 बनाई है, उसके बाद ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये अरे उसको ये दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, ये इतना सारा, ये दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, इसके बाद ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो कहा सो किया। अच्छा, ये आपका रिपोर्ट, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, ये हम दिखाना चाहेंगे रिपोर्ट कार्ड, यहाँ से लेके ये हमने इसमें मेन फ्रंट पे दिल्ली सरकार का दिया है, ये इस पे लिखा है विधायक महेंद्र यादव द्वारा जो काम किए गए, ये टोटल हमने काम किया है इस पूरे 5 साल के अंदर, हमने भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया और इस रिपोर्ट कार्ड को लेके हर घर तक हम जाएंगे। अच्छा, इस रिपोर्ट का, इस बार रिपोर्ट कार्ड से वोट मांगा जाएगा? रिपोर्ट का काम किया है तो काम का वोट मांग रहे हैं। हमने एक वादा वाईफाई का हमारा बाकी रह गया था, आज हम वाईफाई भी लगा रहे हैं, विकासपुरी विधानसभा में आज से भी वाईफाई का भी काम शुरू हो गया है, तो हमने जितने भी वादे किए थे उनको पूरा किया है। लोगों का कहना है सर कि वादा किया है तो पूरा नहीं हो रहा है, जबकि दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी है, और दावा हो रहा है कि हो रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? गंदा पानी भी आ रहे, कह रहे फ्री में दे रहे तो गंदा पानी दे रहे। लोगों का कहना नहीं है, विपक्ष का कहना है, और विपक्ष का तो कहना बनता ही है, विपक्ष है तो कहेगा ही, विपक्ष का कहना लोगों का कहना नहीं है, जनता आम आदमी पार्टी से खुश है, जनता आम आदमी पार्टी के कामों से खुश है, विपक्ष का कहना है, वो विपक्ष तो कहेगा ही, क्योंकि अब तो 70 की 70 जाने वाली हैं विपक्ष के हाथ से, 70 की 3 जो आई थी वो भी चली जाएंगी अब की बार, और एक बड़ा चुनाव दावा कर रहे हैं सर। अभी हम रिथाला गए थे, रिथाला में बहुत शिकायत है लोगों का कि वहाँ पर विधायक मिलने के लिए भी नहीं आते, और पूरा रोड ख़राब है कि बहुत पानी हो जाते हैं, वो लोग कभी मिलने के लिए भी नहीं आते, इस तरीके की शिकायत भी। विपक्ष के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद इकट्ठे होने के बाद वो एक शोर मचाते हैं कि विधायक मिलने नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि विधायक मिलने नहीं गया होगा, और चलो कोई छोटी मोटी कोई शिकायत भी रहेगी, अगर विधायक मिलने नहीं गया तो केजरीवाल जी ने तो, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, अगर रिठाला की आप बात कर रहे हैं, मान लिया वो नहीं पहुंचा होगा, तो केजरीवाल ने तो बहुत सारा काम किया है, हर
क्षेत्र में काम किया है, सभी जाति के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, तो उस काम के नाम पे केजरीवाल के अच्छे काम के नाम पे और उनके काम पे और उनके नाम पे वोट मांगा जाएगा। उनके काम पे और उनके नाम पे वोट मांगा जाएगा। जिस तरीके से कल प्रवेश जी बता रहे थे कि अगर केजरीवाल जी डिबेट करने के लिए बोल रहे हैं कि काम में जिस तरीके से वोट मांगा कि कहाँ काम हो रहा है। देखो डिबेट तो जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, डिबेट तो वो करते हैं जिनके अंदर, हाँ जो अनारी लोग होते हैं वो डिबेट करते हैं। डिबेट क्या करना है, जनता बता रही है कि काम हुआ है और क्षेत्र में काम हुआ है, पूरी दिल्ली में पानी पहुंचा है। ये कहते हैं आज से 6 महीने पहले कह रहे थे गंदा पानी, ना पानी नहीं आ रहा, अब ये कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है। जब 6 महीने पहले ये कह रहे थे पानी नहीं आ रहा, तो 6 महीने में पानी तो आया। हाँ अगर ये कहीं कह रहे गंदा है तो उसको हम साफ़ कर देंगे, वो हमारी ड्यूटी है, इनकी थोड़ी ड्यूटी है, विपक्ष की ड्यूटी थोड़ी है। जनता ने हमें वोट दिया, अगर कहीं गंदा है तो उसको हम ठीक करेंगे। सर अभी जैसे हम विकासपुरी विधानसभा में अभी यहाँ आने से पहले हम यहाँ से लोगों से बातचीत की, तो लोग यह चाहते हैं कि काम हो रहा है, बहुत लोगों का कहना है काम हो रहा है, उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन उनका सब लोगों का एक वादा चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग फिर से सरकार बनाएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी का ही सरकार बनवाएंगे, बट उनका आप लोगों से ये चाहते हैं कि आप लोग रोज़गार देने का वादा करें। देखो हमारे पे जो भी एक छोटा मोटा जो रोज़गार हम दे सकते हैं, हमने तो नहीं कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हमने तो ये कहा था कि जैसा भी प्राइवेट एजेंसियों में, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में कोई छोटा मोटा व्यापार जो लोग कर लेंगे, वो लोगों ने किया, लेकिन आज MCD उसको छीन रही है, उसको बंद कर रही है। MCD के लोग आते हैं, उसके बाद सब लाइन से पूरे का पूरा जो व्यापार कर रहे हैं, छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, उसको बंद करके चले जाते हैं। तो रोज़गार हमने कोशिश किया है कि हम लोगों को उनकी सैलरी भी बढ़ाई, न्यूनतम मजदूरी हमने बढ़ाई है, उसके बाद जो हमारे टीचर थे उनको परमानेंट किया है, उसके बाद हमारी जो आंगनवाड़ी वाली बहनें थी उनकी हमने सैलरी बढ़ाई है। तो हमने कोशिश किया है इस 5 साल में रोज़गार देने का भी, और अपना लोगों को जो सुविधाएं उनको वहाँ उसके घर तक पहुंचाने का। अगर फिर से सरकार बने आप लोगों का दिल्ली में, तो क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा? अगर मगर की बात ही नहीं है, अगर सब तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी 70 की 70 हैं। अच्छा, इस बार 70 पूरी 70 की 70 जीतेंगे और विकासपुरी देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हम दावे के साथ कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और अपने काम के बूते में, हम कहते हैं कि हम 70 से 70 की जीतेंगे और विकासपुरी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे देश। विकासपुरी में आपको पूरा विश्वास है विकासपुरी, लेकिन विकासपुरी लोग चाहते हैं कि रोज़गार देने का वादा करें। बिल्कुल, हम रोज़गार कोशिश हमने किया है 5 साल में, और आने वाले समय में और रोज़गार देंगे, लोगों की सैलरी और बढ़ाएंगे, उनको व्यापार देंगे, उनको मान सम्मान देंगे, जो लोग चाहते हैं हम उसको करेंगे देने की कोशिश। जिस तरीके से कुमार लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि भट्टियाँ बंद हो रहा है तो उनके लिए कुछ करें, नहीं तो कुमार लोगों को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। हम कुमार लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने खादी ग्राम उद्योग में उसको दिया है, हम उनके लिए लोन देंगे, वो अपनी एक जो चिमनी होती है जिसको पहले कोयले से लक्कड़ से जलती थी, उसको हम बिजली का देंगे और उसके ऊपर सब्सिडी देंगे। केजरीवाल जी ने उनको एक मीटिंग करके बोला है कि सब्सिडी हम उसको देंगे कुमारों को। कुमार तो चाहिए, कुमारों के बिगड़ क्या है, रोशनी कैसे होगी? अगर कुमार नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। लोग बहुत नाराज है, कह रहे कि नहीं तो उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उनको एक सब्सिडी देंगे और कुम्हारों का व्यापार यहीं पे चलेगा। जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं उनको दिल्ली सरकार अब की बात जब आएगी तो सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने के बाद उनके जो भट्टियाँ हैं, जो चिमनियाँ हैं, उनको वहीं पर सेट करेंगे और जिससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। सर इस बार राखी सावन बता रहे थे कि अगर राखी सावन का दिल्ली में टिकट मिल जाए विपक्ष की तरफ से, तो केजरीवाल की टक्कर में वो खड़े हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले पूरा जिता देंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसी नाचने गाने वाले से केजरीवाल, अब मनोज तिवारी कहे कि मैं केजरीवाल के सामने खड़ा हो जाऊँगा और केजरीवाल को हरा दूँगा, तो ये राजनीति है, ये राजनीति का मैदान है, ये कोई नाचने वाली स्टेज नहीं है कि जो आएगा 4 ठुमके लगाएगा और दिखा के चला जाएगा कहाँ जीत जाएगा। जनता केजरीवाल से प्यार करती है, जनता केजरीवाल के प्यार से, वो काम से प्यार करती है, और जो हमने दिल्ली में किया है उसका हमें जनता पूरे के पूरे का सारे का सारा वोट देके और पूरे बहुमत के साथ जीता रही है। तो विपक्ष जिस तरीके से पहले के मनोज तिवारी जी को पहले बताया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे और उसके 2 घंटे के बाद ही बदल गया, क्या लगता है आपको, इसमें क्या कहना चाहिए? बस कोई चेहरा ही नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने उतारने का, कोई भी चेहरा नहीं है,
आज कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखबार में मैंने कुछ सुना था, देखा था, मैं सुबह पढ़ रहा था कि जी उसको बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है। मैं केजरीवाल के सामने की तो बात अलग है कि केजरीवाल के सामने लड़ेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैं विकासपुरी से कहना चाहता हूँ, जो उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार है उसको विकासपुरी से लड़ा दो, विकासपुरी विधानसभा से लड़ा दो उसको, उसकी जमानत जब्त हम करा देंगे। जो अपने आप में वो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, जिसको भी वे पेश करना चाहते हैं बीजेपी वाले, उसको विकासपुरी विधानसभा से लड़ा दो, उसकी जमानत हम जब्त करा दें। कहने का मतलब है कि विकासपुरी जो एमएलए के सामने भी वो नहीं टिक पाएंगे? वो एमएलए के सामने, छोटा सा एमएलए होंगे तो मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जनता के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जनता झूठे लोगों को पसंद नहीं करती। जनता के लिए लोग, हमने काम किया है 5 साल और जनता केजरीवाल से प्यार करती है और विकासपुरी की जनता महेंद्र यादव से प्यार करती है। अच्छा, तो ये विकासपुरी जनता के लिए अभी आपकी तरफ से क्या कहना है सर? मैं विकासपुरी की जनता से ही कहना चाहता हूँ, अगर कोई छोटी मोटी कमियाँ रह गई, एक दो रोड की है, जैसे बालाजी रोड है, रनौरा रोड है, हम संडे या मंडे को उसकी ओपनिंग कर देंगे, वो रोड बनाना शुरू कर देंगे। जो छोटी मोटी कमियाँ रहेंगी, जैसे अब सीवर का काम चल रहा है, विकासपुरी की जनता से कहना चाहता हूँ कि सीवर का जो काम चल रहा है, अब जब सीवर जब डालेंगे तो खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद उसको समय लगेगा, महीना, 2 महीना 4 महीना, जैसे भी सीवर डलता जाएगा हम उसको रोड और नाली बनाते जाएंगे। सर, लोगों का, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि फ्री, जो फ्री सेवा है उससे बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं कि फ्री नहीं होना चाहिए और फ्री होने से लोगों का, लोग निकम्मे हो जाते हैं। जनता वोट देती है लाइन में लग के, उसके बाद प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में घूमते हैं, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, कोठी मिलती है, सब कुछ मिलता है, नौकर चाकर सब कुछ फ्री मिलता है। वो क्या अपने घर से देते हैं क्या? वो भी तो फ्री का ले रहे हैं ना। उसके बाद सीएम साहब को सब कुछ मिलता है, हमारे जो दिल्ली में एमपी है उनको सब कुछ मिलता है, पानी फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, उसके बाद नौकर चाकर मिलते हैं, बंगला मिलता है, हवाई जहाज में घूमने के लिए पैसा मिलता है, तो वो भी तो सब फ्री का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि जनता वोट दे और वो सब कुछ पैसे से ले और जिसको वोट दिया जाए वो आराम से आनंद ले, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, जनता वोट दे और नेता मजे ले, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, इस बार आपकी बार, हाँ, आम इंसान की तरह जो नेता को जो फ्री मिलता है ना, उसका कुछ परसेंट हिस्सा तो जनता को भी मिलना चाहिए। तो DTC फ्री हमने किया है, जब नेता को हवाई जहाज फ्री मिलता है तो क्या हमारी बहनें DTC में भी नहीं घूम सकती क्या? फ्री में नहीं घूम सकती। पानी हमें फ्री मिलता है, बिजली हमें फ्री मिलती है, मेरे को भी 4,000 रुपया बिजली का बिल का पैसा मिलता है, लेकिन मेरा तो 0 बिल आता है, जितना पैसे का बिल आएगा वो हमें मिलता है, और 3 महीने से मेरा भी 0 आ रहा है। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है, CA के लिए क्या कहना चाहते हैं? CA की ये सब बेकार की बातें हैं। अगर बिल लाने थे तो रोजगार गारंटी बिल लेकर आते, महिला सुरक्षाओं का बिल लेकर आते, ये देश को एक लड़ाने वाला सिस्टम इन्होंने बना दिया कि दिल्ली में चुनाव है, कुछ हिंदू मुस्लिम की वोटें आपस में कट जाएं और कुछ हिंदू वोट दे दें, लेकिन इतना बेवकूफ कोई नहीं है। आप लोगों का महिला सुरक्षा के लिए क्या योजना है? महिला सुरक्षा के लिए हमने CCTV कैमरा लगाया है, घर में भी लगाया है, DTC बस में भी लगाया है, बस में हमने गार्ड लगाए हैं, सिविल डिफेंस की नौकरियों में हमने कई हज़ार लोगों को नौकरियाँ दिया है, रोजगार दिया है जो आपके बसों में चलते हैं। उसके बाद मार्शल हमने जो लगाए ना, उससे बहुत बड़ा फायदा महिलाओं का सुरक्षा के लिए क्या है। महिला सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के ऊपर क्या सोचते हैं सर? महिला सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से ट्रेनिंग बेटर है, ये सब ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बिगर ट्रेनिंग के अगर महिला कहीं सुरक्षा के लिए अगर अकेली है तो अपनी सुरक्षा कर सकती है। कहने का मतलब है कि सारी बातें आप लोग जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड दिखाए और सब कुछ दिखाने के बाद आपका कहने का मतलब है कि 70 में से 70 सीट इस बार जीत के रहेंगे। जब हम गली में जाते हैं तो बहन हाथ उठा के कहती है, भैया वोट झाड़ू को देना है। मैं, बहन जी वोट दोगे? वोट झाड़ू को देना। आज हम इतने खुश हैं कि हम 70 में से 70 ले जाएंगे अब की बार। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ महेंद्र यादव जी, और इनका कहना, इनका दावा है कि 70 में से 70 सीट इस बार दिल्ली वाले, विकासपुरी सबसे ज़्यादा, इनका कहना है कि 70 में से 70 सीट इस बार मिलेगा और विकासपुरी जो जनता है, जनता सिर्फ महेंद्र यादव जी को ही वोट देंगे और केजरीवाल का इस सरकार इस बार बनेगा। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।